वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, मैं हूं मनवीर और आप देख रहे हैं टीवी 9 यूपी। आज लेके आया है सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। उस एग्जिट पोल में तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे और टीवी 9 के एग्जिट पोल आज आपको बरेली की दोनों लोकसभा सीट का एग्जिट पोल दिखाएगा, यानी कि अब बरेली लोकसभा सीट और एक आंवला लोकसभा सीट। अनूप जी, जानना चाहेंगे, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, इस बार दोनों लोकसभा सीट पर क्या होने वाला है? देखिए, अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में इस बार 8 बार के सांसद संतोष गंगवार जी का टिकट काट दिया गया था, उनकी जगह पे छतपाल गंगवार को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी से छतपाल गंगवार जी हैं, तो दूसरी ओर गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन है, जो 2009 में संतोष जी को हरा चुके थे। तो इस बार जो मुकाबला है वो काफ़ी टाइट है, कड़ी टक्कर है। हालांकि जिस हिसाब की वोटिंग हुई है, जो चीज़ें देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन ये तो चुनाव वाले दिन ही पता चलेगा, मतगणना वाले दिन, कि कौन जीतता है कौन हारता है। अच्छा, आंवला की अगर हम बात करें तो आंवला में क्या होने वाला है? आंवला की बात की जाए तो आंवला में तीसरी बार एक बार फिर से धर्मेंद्र कश्यप पे भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने और उनको टिकट दिया है वहां से, तो वो तीसरी बार मैदान में है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को मैदान में उतारा है। तो खास बात यह है कि इस बार जो स्थानीय लोग थे वो काफ़ी नाराज दिखाई पड़ रहे थे, जो मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र कश्यप जी से। वहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर और मौर्य, ये काफ़ी नाराज था। तो जो नीरज मौर्य है उनके साथ में मौर्य चला गया, ठाकुर और ब्राह्मण समाज है वो भी काफ़ी हद तक चला गया। तो ऐसे में बहुत ही कड़ी टक्कर वहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि आंवला का जो इस बार के समीकरण है वो काफ़ी अच्छे भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हालाँकि जो सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, उनका कहना है वो इस बार जरूर हैट्रिक लगाएंगे। अब ये देखना होगा कि 4 जून को क्या होता है। अच्छा, इस बार जिस तरह से धार्मिक बयानबाजी की गई थी पश्चिम से पूर्वांचल, तो जिस तरह से इनका छत्रियों का नाराजगी थी, उससे भी क्या दोनों सीटों पर कितना फर्क पड़ेगा, किसके लिए इसका नुकसान? देखिए, हम अगर बात करें, इन बयानों से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कुल मिलाकर जो एजेंडा था वो हिंदुत्व का एजेंडा था और हिंदुत्व के एजेंडे पे सारे मुद्दे फीके साबित होते हैं। वहाँ पर विकास की बात करी जाए, रोड की बात की जाए, नाली खड़ंजे की बात की जाए, नौकरी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, तो ये सभी मुद्दे कहीं ना कहीं हल्के साबित होते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे के आगे ये सभी फीके साबित हो रहे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राम मंदिर बना, तो राम दहर भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, लोगों में खुशी है कि आखिर 500 साल का वनवास खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को इन दोनों सीटों पर मिलेगा, लोगों में काफ़ी खुशी है। हालांकि बेरोजगारी है, छुट्टा जानवर है, खासतौर से आंवला में बात करें तो वहाँ छुट्टा जानवर एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन कुल मिलाकर ये मुद्दे कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, तो जब चुनाव का समय आता है, जब लोग ईवीएम पे बटन दबाने जाते हैं, तो ये सब भूलकर वो ये देखते हैं हम सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तमाम सरकारों का शासन देखा है, तो वो अब देखते हैं कि हम भाजपा में सुरक्षित हैं, गुंडाराज नहीं है। दूसरी ओर हिंदुत्व का एजेंडा जो है, हिंदुत्व के ओर लगातार पार्टी काम कर रही है। तो ऐसे में दोनों ही जगहों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हमारे साथ नीरज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी, इस बार क्या लग रहा है दोनों सीटों पर? देखिए, बरेली और आंवला लोकसभा जो सीटें हैं उनमें दोनों में टक्कर है, और खासतौर से अगर हम बात करें बरेली लोकसभा की, तो बरेली लोकसभा में जब इस टक्कर है, बहुत ज़्यादा अंतर से जीत का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है जो अभी तक के आंकड़े हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे। जो BSP का कैंडिडेट था उसका नामांकन पत्र कैंसिल हो गया, तो उसके बाद जो मेन पार्टी अगर बात करें तो सपा और BJP का, इन्हीं के बीच की फाइट है जो अभी तक के रुझान है, क्योंकि जो दलित वोटर है, OBC वोटर है, मुस्लिम वोटर है, ये क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है वो BJP का वोट बैंक नहीं माना जाता है, कुछ परसेंट जाता है पर बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता है, और यहाँ मुस्लिम वोटर अधिक है, लगभग 6 लाख से अधिक वोटर है, OBC भी काफ़ी तादाद में है, SC भी काफ़ी तादाद में है। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत लंबी, मतलब हार जीत नहीं होगी बरेली सीट पे, और पर जो अभी तक का अनुमान उसमें है कि सपा जो है यहाँ भारी पड़ रही है और बरेली लोकसभा सीट पर। अच्छा, इस बार क्या है कि जिस तरह से पश्चिम से पूर्वांचल पूरी छतरी को लड़ाई थी, क्या वो भी दोनों सीटों के लिए फायदेमंद है गठबंधन के लिए, आंवला और बरेली की बात करें? नहीं, गठबंधन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि गठबंधन BSP का अगर तीनों का होता तो BJP के लिए फायदा था, दोनों का है तो ये BJP के लिए नुकसान है, क्योंकि जो BSP का वोटर था वो BSP के पास गया। अगर तीनों को होता था तो वो खिसक के BSP वोटर जो है BJP की तरह चला जाता था, और सपा वोटर जो है वो BSP कैंडिडेट को नहीं देता था, मतलब एक दूसरे को नहीं देते, तो खिसक जाता था। फिलहाल जो है जो गठबंधन है इसका फायदा मिलेगा, और कांग्रेस का वोटर और सपा का वोटर जो है वो एक, दूसरा जो
महंगाई है, रोजगार है और बेरोजगार रोजगार है जैसे, और दूसरा आरक्षण को लेके जो एक बहस छिड़ी हुई थी कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान में बदलाव कर देंगे, तो जो ओबीसी वोटर है, एससी वोटर, उसका भी काफी असर पड़ा है। देखो अगर आंवला की बात करें तो आंवला के भी यही समीकरण है, आंवला के भी यही समीकरण, और आंवला में बीजेपी कमजोर काफी हद तक नजर आ रही है। वहां बहुत लंबी हार जीत होगी जहां तक लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है आंवला का जो वोटर है खासतौर से जनरल वोटर ठाकुर छत्री समाज है वो इनसे नाराज था। मौर्य अपने आप में काफी वोटर है और मुस्लिम वोटर है, तो कहीं ना कहीं वहाँ फाइट होगी, पर बहुत ज्यादा फाइट नहीं है सपा की, वहाँ भी अच्छी लग रहा है। यानी कि बरेली और आंवला दोनों सपा मजबूत दिखाई दे रही है। निर्भय जी आपसे मेरा ये सवाल, क्या लग रहा है 4 तारीख की ये मतगणना होगी, इस बार दोनों सीटों का निकल बताइए। बरेली में जैसा कि आपको मालूम है इस बार संतोष गंगवार जी का टिकट नहीं रहा था और कुर्मी समाज के छतपाल गंगवार जी को टिकट दिया गया, उसको लेकर शुरुआती दौर की नाराजगी काफी रही। हाल ये हुआ कि पूरे मंडल में मोदी जी को कई बार यात्रा करनी पड़ी, योगी जी की भी 8 से 10 सभाएं बरेली मंडल में हो गई। अगर ये देखा जाए तो इस पहले जो बात हुआ करती थी कि संतोष जी को मुस्लिम वोट काफी जाया करता था, मतलब 40-50 हजार वोट उन्हें मिल जाया करता था। ये बात सही है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं जाता, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति और व्यक्तित्व को देख के वोट जाया करता था। इस बार वो वोट नहीं होगा बीजेपी पे, कुछ नाराजगी का अंश भी जा सकता है, इसलिए ये टक्कर जो कड़ी टक्कर है, यहाँ प्रवीण सिंह एलन 2009 में जीत चुके हैं, उनका भी अपना प्रभाव कुछ रहा, तो ये कड़ी टक्कर में आएगी और जो हार जीत होगी 20-25 हजार के आसपास तक होने की संभावना जताई जा रही है। कोई भी पक्ष भारी जा सकता है। राम जहां तक राम लहर की बात की जाए तो अंडर करंट तो था, लेकिन उसका लाभ कितना मिलेगा ये नहीं कह सकते अभी। अच्छा, जिस तरह से संविधान की बात आई थी, आपने देखा होगा आकाश आनंद की एजेंसी अखिलेश की, वो संविधान की किताब लेके आए थे अपने हाथ में। जहां तक संविधान की बात है उसका शुरू से खंडन करते चली आ रही बीजेपी का पक्ष कि संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन गठबंधन पक्ष ने उसे लपक लिया और उसको ही लेके पूरे चुनाव भर प्रचार हुआ, ये वो कर देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे, ये कर देंगे, 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है वो संशोधन करने के लिए दिया गया है। ये बात सही है कि संशोधन पहले भी संविधान में होते रहे, जहां जरूरी पड़ता है। इसका कोई फर्क पड़ेगा, जैसे जिस तरह विपक्ष लगातार कह रहा है संविधान खत्म कर देंगे? नहीं, इसका फर्क कुछ अंशों को पड़ेगा, लेकिन अब ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई बार संविधान में मतलब चेंजेस की, ऐसा नहीं है। जब भी समय को राजीव गांधी के समय में भी आपको जानों का शाहवानों का केस को पूरा पलट दिया गया था, उसको लेकर हाईकोर्ट तक के उसको पलट दिया गया, संविधान को फाड़ा गया था, लेकिन ये सब तात्कालिक चीजें होती हैं। अंडर करंट पर कुछ थोड़ा परसेंट तो जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा जाएगा। तो क्या माना जाए, एक तो छत्रियों की आपने देखी लगातार नाराजगी थी पश्चिम से पूर्वांचल और ये क्षमता, दोनों सीटों को लेकर आपका अनंकर क्या कह रहा है? जहां तक आंवले की अगर हम बात की जाए तो वहां पे ठाकुर समाज को लेकर बहुत नाराजगी थी बीजेपी का, इस बार वहां पे ठाकुर जिला अध्यक्ष है आदेश प्रताप सिंह नाराजगी थी, लेकिन बाद में वो चीजें कुछ डायल्यूट करने का काफी प्रयास किया गया। उसके लिए पूर्व सांसद राजवीर सिंह के पुत्र धीरेन्द्र सिंह वो भी लगे और काफी हद तक चलिया। अब हैट्रिक की जो बात हो रही है, जो लाखों की बात की जाती थी वो हजारों में रह जाएगी, कोई भी पक्ष बदल सकता है, क्योंकि वहां पर नीरज मौर्य जो हैं गठबंधन प्रत्याशी, उन्हें बाहरी प्रत्याशी का एक उन पर तमगा लगा और वो उतना डायल्यूट नहीं हो पाया जितना की वो रहा। इधर ठाकुर नाराजगी को काफी डायल्यूट करने का प्रयास किया गया। अब कह नहीं सकते, जो पहले हम लोग कहते थे कि ये 2 सीटें पक्की हैं, अब ये सीटों हर सीट पर काटे की लड़ाई है, काटे की लड़ाई है। अजय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या लग रहा है जिप पुल में हमारे दोनों सीटों के लिए आपका क्या आनंद करें? लेकिन निर्भय जी को बहुत गौर से मैं सुन रहा था, मेरे अग्रज है मेरे लिए, है ना, बहुत गौर से सुन रहा था, तो उन्होंने काफी हद तक सही कहा कि पहले जो थे राजनीति के जो पुरोधा थे वो बता देते थे कि घोषणा करते कि हाँ भैया बरेली सीट ये जीत रहा है, आंवला सीट ये जीत रहा है, लेकिन अब जो जो एग्जिट पोल है और जो राजनीति के चाणक हैं उनकी जो दीर्घिका थी वो सब फेल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने कोशिश की थी कि हाँ वोटिंग बढ़े, लेकिन जिस हिसाब से बरेली में हुआ कोशिश की जा रही थी कि हाँ परसेंटेज बढ़े, लेकिन बढ़ा नहीं और डाउन हो गया। बरेली लोकसभा की मैं बात करूंगा तो देखिए 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटा, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत समय पर इनका टिकट काटा, क्योंकि जो टिकट काटने के बाद जो नाराजगी लोगों में जाहिर हुई थी कि छत्रपाल गंगवार को लाया था, लेकिन हाँ छत्रपाल गंगवार का टिकट घोषित होने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी 2 फाड़ में नजर आई,
एक तो संतोष गंगवार के पक्ष में चला गया, दूसरा जो है छत्रपाल गंगवार के, जो है डैमेज कंट्रोल किया, योगी आदित्यनाथ आए, नरेंद्र मोदी आए, रोड शो किया, उन्होंने कहा तो लग रहा था कि हाँ कि अब जो छत्रपाल के जो गिले शिकवे थे लोगों से, वो मनमुटाव थे, वो खत्म हो गए। लेकिन मतदान वाले दिन ये दिखाई दिया कि जो डैमेज कंट्रोल का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो नहीं दिखाई दिया। कि मतदान वाले दिन मुस्लिम एरिया में जाइए या हिंदू एरिया में जाइए, तो साफ तौर पर दिखाई दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हाँ ये हमारे वोटर हैं, ये हमारा पक्का वोटर है जो हमारे को मिलेगा, लेकिन वहां पर जाए वहां भी पोलिंग बूथ पे खाली मिले हमें। सुबह की बात कर लिया थोड़ी बिजी बढ़ गई तो, और वहां कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि 25-30% वोटर ही घर से निकल गए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बरेली में जो जो जीत का आंकड़ा होगा वो बहुत कम होगा, 5-10 हज़ार होगा, या तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो ये नहीं दिखा सकते हाँ एक दो रिकॉर्ड जीत होगी, तो वो नहीं है। ऐसा ही हाल आंवला का, आंवला के गांव-गांव में क्षेत्र में हम घूमे तो वहां पे जो लगा तो वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, वो व्यक्ति विशेष धर्मेंद्र कश्यप से नाराज है। मैं ठाकुरों के पास गया तो उन्होंने कहा नहीं धर्मेंद्र कश्यप को हम वोट नहीं करेंगे। फिर हमारा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम किया है उसको वोट करोगे, तो उनकी नाराजगी मोदी से नहीं थी, धर्मेंद्र कश्यप से थी। तो धर्मेंद्र कश्यप को जब वो वोट ही नहीं करेंगे तो बीजेपी के पास कैसे जाएगा। और नीरज मौर्य आए थे, नीरज मौर्य ने जो उनकी नाराजगी थी उसका फायदा मिला। जब शुरुआत में नीरज मौर्य के जब टिकट फाइनल कराया तो लोग समाजवादी पार्टी के खुद जो अंदर खाने के जो नेता थे वो कहते थे यार यहाँ भी कोई मौर्य करते थे या यहाँ ओबीसी का बंदा करते, तो शायद उन्हें ज्यादा अच्छा शोभन था। लेकिन धर्मेंद्र कश्यप की जो नाराजगी थी लोगों को लेकर जो है उसका फायदा नीरज मौर्य को मिला। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हाँ आंवला में जो है टक्कर जो अभी तक जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हाँ भाई हमारे आंवला सीट जो है भारी बहुमत से जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी, लेकिन अब की हाल की बात करें तो जीत हार चाहे वो बरेली हो या आंवला, जीत हार का जो रेशियो है बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उससे लोग जो है वो नाखुश हैं। जी जिस तरह से श्रमदान का फैक्टर था, दूसरा छतरी की लड़ाई, ये भी क्या दिखाई दिया उसके मतदान वाले? देखिए विपक्ष कह रही है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जब अगर दोबारा आती है सत्ता में, तीसरी बार आती है तो संविधान में बड़ा फेरबदल होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी अगर देखा जाए तो संविधान में एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब बहुमत में आते हैं लोग उनसे सारे जनता जनार्दन से बात की जाती है और सब जब उनकी बात होती है कि हाँ ऐसा फेर होना, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी विशेष फैसला ले और संविधान बदल दे। ये मैं विपक्ष को भी कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी नहीं होता है, जनता जनार्दन चाहेगी, देश की जनता चाहेगी, देश के सभी दल के लोग चाहेंगे, तब होता है ये। तो ऐसे में हम ये कहें कि हाँ भाई बड़ा फेरबदल हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो ये सब गलत बातें हैं। ऐसा कोई बड़ा फेरबदल होने वाला नहीं है, कोई भी सत्ता में आए चाहे वो विपक्ष आए या भारतीय जनता पार्टी आए, तो वो एकदम एक के हाथ में नहीं है कि हाँ संविधान में बदलाव कर दे, सबके बहुमत से ये बदलाव होता है और पहले भी हो चुका है। जी हमारे साथ आपने भी सवाल सुना, लगातार देख रहे थे जैसे अजय भाई वर्षपत कर रहे हैं, नवे जी कह रहे थे, आपको क्या लग रहा है दोनों सीटों पर इस बार? देखिए इस चुनाव में एक खास बात आपने नोट की होगी, पिछले लोकसभा चुनाव पे अगर आप निगाह डालेंगे तो इस बार के और लोकसभा के पिछले चुनाव में एक बेसिक फर्क आपने महसूस किया होगा। पिछले चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला कहीं होगा, कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला रहा होगा। इस बार चुनाव में अधिकांश सीटों पर आपको एक बात नजर आई होगी, या तो मोदी से बहुत प्रसन्न लोग हैं यानी उनके समर्थक हैं, या विरोधी मोदी जी को हराना चाहते हैं यानी उनके विपक्षी लोग हैं। तो देश के मतदाता इस समय अधिकांश दो भागों में बटा हुआ नजर आया। तमाम मुद्दे राजनीतिक दलों का काम होता है कि जनता को येन केन प्रकारेण अपने पक्ष में करना, भाजपा हो या अन्य दलों के नेता, उन सब लोगों ने सारी कवायद करके जनता को यानी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कवायद की। मेरा ऐसा मानना है, मैं इसको कमजोरी महसूस करता हूं, कि सत्ताधारी दल के देश के प्रधानमंत्री को एक एक लोकसभा क्षेत्र में जाना पड़े तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी थोड़ा दर्शाता है। अमूमन हमने देखा है 2019 का चुनाव हो, 22 के विधानसभा चुनाव रहे हो, 2014 का चुनाव या उससे पहले के चुनाव, देश का प्रधानमंत्री मंडल में एक लोग सभा किया करता था और मंडल भर के लोग उसमें आ जाते थे पार्टी के और चले जाते थे। इस बार देश के प्रधानमंत्री को एक एक लोकसभा में क्षेत्र में जाना पड़ा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं उनको भी जानकारी जमीन पर
क्या हमारी स्थिति है यह जानकारी उनको होगी, इसीलिए उन्होंने अपनी रणनीति में परिवर्तन करके हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास किया। मेरा ऐसा मानना है जीत हार का बरेली लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है 50,000 से 1,00,000 वोटों का अंतर किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि संतोष गंगवार चूंकि 8 बार के सांसद रहे हैं, उनकी समाज में एक प्रतिष्ठा है, और जिनको टिकट मिला छत्रपाल, ये भाई छत्रपाल गंगवार अभी उनकी संतोष गंगवार की ऊंचाइयों तक पहुंच नहीं पाए हैं, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है केवल। अब उसका उनको कितना लाभ मिलने वाला है, और छत्रपाल के नाम पर वोट पड़ा नहीं है, मोदी जी और योगी जी के नाम पर जो भी वोट मिला है वो छत्रपाल जी की जीत और हार का फैसला करेगा। बात करें अगर आमला लोकसभा की, तो आमला लोकसभा में भी बसपा का प्रत्याशी जरूर था लेकिन नाम मात्र का था, मैं उसको फाइट में मानने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए वहां पर भी डायरेक्ट फाइट है, और दोनों ही मोदी को या तो जिताने वाले हैं, प्रशंसक हैं, उन्होंने धर्मेंद्र कश्यप को पक्ष मतदान किया होगा, और जो मोदी जी से नाराज हैं उन्होंने नीरज मौर्या को वोट दिया होगा, लेकिन बरेली लोकसभा की अपेक्षा वहां पर जीत का अंतर कम मतों का रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, मजबूत कौन दिखाई दे रहा है एक बार लास्ट सवाल? अब इस मजबूती के बारे में मैं भविष्य का ज्ञाता नहीं हूं, और राजनीति में कोई भविष्यवाणी करना बहुत अकलमंदी भी नहीं कहा जा सकता है, क्यों कि वो फैसला मेरे और आपके हाथ में नहीं है, वो इस लोकसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं का फैसला है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता। लोटा जी, आपने सवाल तो सुन लिया तमाम वर्षों तक, आपका क्या अंक लग रहा दोनों सीटों पर? दोनों सीटों पर बरेली की सीट, अगर बरेली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ फाइटिंग तो जबरदस्त रही है दोनों प्रत्याशियों के बीच में, जबकि जो गठबंधन प्रत्याशी था उसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है बरेली लोकसभा सीट में, जो गठबंधन प्रत्याशी था उसकी प्रवीण सिंह, उनकी स्थिति काफी मजबूत थी, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार उनकी स्थिति केवल एक मोदी के नाम पे और कमल के फूल के नाम पे जो मतदाता निकल के आया वो तो आया, लेकिन उनके व्यक्तिगत उसमें प्रभाव बिल्कुल नहीं था, पूरे शहर में पूरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ क्षेत्रों से वो जीत पाए। अगर स्थिति बहुत अच्छी केवल बीजेपी के नाम पर रही तो जीत सकते हैं, वरना मुझे लगता नहीं कि ये जीत जाए, क्योंकि जो स्थिति प्रवीण सिंह आयरन की थी गठबंधन प्रत्याशी की वो बहुत सॉलिड स्थिति थी, और उनका एक पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में जाया था, तो यहाँ केवल यही था कि गंगवार पर लोग हैं वो हमें वोट देंगे, बाकी छोटी बिरादरी हमें वोट देगी, लेकिन इस बार ऐसा थोड़ा कट हुआ मामला, क्योंकि प्रत्याशी को जानना बहुत जरूरी है, अब प्रत्याशी को जानता ही नहीं है यहाँ का वोटर, तो वो केवल आंख बीच के वोट लगाया कि या तो कपड़े पे देना है या साइकिल पे देना है, तो जिसके जो मन में आया वो करा, लहर जैसी कुछ नहीं थी, तो यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है, और मुझे उम्मीद लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि छत्रपाल के जीतते जीतते और प्रवीण सिंह रंजीत। अच्छा, आपको क्या लग रहा है दोनों सीटों पे? देखिए, बरेली की सीट में आमने सामने की फाइट थी दोनों में, और ये तो रहता ही है सत्ता पक्ष की ओर झुकाव अधिकतर रहता है, रहा ये कि बीजेपी के कैंडिडेट और सपा के कैंडिडेट प्रवीण सिंह आनंद और छत्रपाल सिंह गंगवार के संदर्भ में कहा जाए तो 2009 में प्रवीण सिंह आनंद जी ने संतोष गंगवार जी को 7,500 वोटों से जीत दी थी, ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि प्रवीण सिंह आनंद का पड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन मोदी और योगी ने अंतिम समय में आकर के यहाँ की जनता को कंट्रोल किया, डैमेज कंट्रोल जिसे बोला जाता है, और मेरे विचार से ये सीट छत्रपाल सिंह गंगवार मतलब भाजपा के की ओर जाती दिख रही है, लेकिन जीत का अंतर मैक्सिमम 7.5 और 10 के बीच में रहेगा। और आंवला पे? आंवला में धर्मेंद्र कश्यप जी तीसरी बार वहाँ प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के, और नीरज मौर्य का उनकी जो वो भी बाहर के ही प्रत्याशी थे जिन्होंने वहाँ आकर के इलेक्शन फाइट किया है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो जब हमेशा इनकम्बेंसी तो होती ही है कि कोई कभी मतलब कुछ लोग समर्थन में होते हैं तो कुछ लोग विरोध में होते हैं, लेकिन वहाँ अंतर कम रहेगा लेकिन सीट जो है बीजेपी की निकल जाएगी। तो देखा, ये तमाम हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार थे, सभी पत्रकारों का अपना अपना अलग अलग मत था, अपने अलग अलग दावे थे।
जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।